नई दिल्ली उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन के अध्यक्ष और भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य रामन रेश भारती ने बताया कि देश में जो प्रबंधक ऐसे विद्यालय चलाते हैं जो मान्यता प्राप्त हैं और पहली कक्षा से 12वीं तक के हैं, उन विद्यालयों के लिए हमने प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन सौंपा है, जिसमें हमने मांग की है जो अनुसूचित जाति के बच्चे जिन विद्यालयों में पढ़ते हैं ऐसे विद्यालयों को भारत सरकार की सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय द्वारा ग्रांट मिलता है, वह ग्रांट एनजीओ के रूप में न देकर अस्थाई रूप से उन विद्यालयों को चयनित करके दिया जाए। काफ़ी समय से हमारी यह मांग चली आ रही थी। इसमें उत्तर प्रदेश के जिन विद्यालयों की सूची मंत्रालय में लंबित थी, ऐसे विद्यालयों को अस्थायी रूप से ग्रांट देने का निर्णय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ने लिया है। जल्द ही इसकी सूची राज्य सरकारों को भेज दी जाएगी। जो प्रस्ताव मंत्रालय में लंबित थे, उन प्रस्तावों को सरकार ने चयनित किया है और अब अक्टूबर तक 2050 विद्यालयों को सरकार की ओर से अनुदान मिल जाएगा। पूरे देश में प्रबंधकों के माध्यम से हमें यह सूचना मिली है कि नई शिक्षा नीति में मिडिल क्लास स्कूल चलाने वालों को स्थान नहीं मिला है। ऐसे विद्यालयों को अनुदान मिलना चाहिए। शिक्षकों का वेतन और बच्चों की छात्रवृत्ति, मिड डे मील, किताबें और अन्य सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए। हमारे प्रस्ताव पर सरकार ने गहनता से विचार किया है, जिसका लाभ पूरे प्रदेश के विद्यालय प्रबंधकों को मिलेगा। रामन रेश भारती ने कहा कि पूरे देश में शिक्षा का स्तर भाजपा की सरकार में बढ़ा है, इसलिए हमारी एसोसिएशन आने वाले चुनाव में पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी का समर्थन करेगी और निश्चय ही उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है? आज की वार्ता का मुख्य उद्देश्य ये है कि हम आप लोगों के माध्यम से देश के प्रबंधक गण जो विद्यालय संचालित हैं, चलाते हैं, मान्यता प्राप्त हैं कक्षा एक से लेकर के कक्षा 12 तक, ऐसे विद्यालयों को अभी हमने 21 तारीख को उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, पंजाब, दिल्ली, मध्य प्रदेश, राजस्थान, अन्य प्रदेशों से भी लोगों ने एक मणिपुर ज्ञापन सौंपा। डीएम के माध्यम से वो प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन गया। उसमें हम लोगों ने मांग किया कि जो अनुसूचित जाति के बच्चे जिन विद्यालयों में काफ़ी मात्रा में पढ़ते हैं, ऐसे विद्यालयों को अनावासी के रूप में, आवासी के रूप में, हॉस्टल के रूप में भारत सरकार का सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय ग्रांट देता है, वो ग्रांट एनजीओ के रूप में ना दे करके वो ग्रांट स्थायी रूप से उन विद्यालयों को चयन करके दी जाए। इस पे उत्तर प्रदेश के पिछले वर्ष से हमारी मांग चली आ रही थी, आप सब लोगों से मैं मुखातिब भी हुआ था। ऐसे में निर्णय लिया गया है कि अभी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड दो राज्यों के विद्यालय जिनकी सूची लंबित है मंत्रालय में, ऐसे विद्यालयों को स्थायी रूप से ग्रांट देने का निर्णय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने लिया है। जल्द ही ये लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट को भेज दी जाएगी। अच्छा भारती जी, आप भाजपा अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय कार्यकारिणी के सदस्य हैं, आपकी भी एक पुरानी मांग थी उत्तर प्रदेश राज्य में स्कूलों को सरकार सहायता दे, इस पर क्या हुआ? देखिए, ये हमारी मांग बहुत पुरानी है और कई बार मैं आप लोगों से इस पे बता भी चुका हूँ, प्रेस वार्ता भी कर चुका हूँ। इसी मांग के उद्देश्य में मैंने बताया कि उत्तर प्रदेश में जो प्रस्ताव लंबित थे मंत्रालय में, उन प्रस्तावों को सरकार ने चयनित किया है और 250 स्कूलों को अभी मतलब जो है अक्टूबर तक अनुदान मिल जाएगा। जैसे कि आपने जो नई शिक्षा नीति में आप बदलाव चाहते थे और कुछ चीज़ें जुड़वाना चाहते थे, उसके लिए क्या क्या करना चाहिए? देखिए, नई शिक्षा नीति के प्रति जो हमको पूरे देश से प्रबंधकों के माध्यम से जो सूचना मिली है,
वो ये मिली है कि जो लोग मीडियम क्लास के विद्यालय चलाते हैं ऐसे विद्यालयों का संचालन करने वाले प्रबंधकों को नई शिक्षा नीति में मतलब जो है स्थान नहीं मिला। ऐसे विद्यालयों को अनुदान मिलना चाहिए, ऐसे विद्यालयों के शिक्षकों को वेतन मिलना चाहिए, पढ़ने वाले बच्चों को वजीफा छात्रवृत्ति आदि की सारी सुविधाएँ मिलनी चाहिए, ड्रेस मिड डे मील और किताबें मिलनी चाहिए। उस पर सरकार ने गहनता से विचार किया है। अभी मेरी तत्कालीन जो नए शिक्षा मंत्री बने हैं माननीय धर्मेंद्र प्रधान जी से बात हुई है, इसमें तत्काल एक बदलाव आएगा और देश के प्रबंधकों को इसका लाभ मिलेगा। अच्छा, उत्तर प्रदेश विद्यालय प्रबंधक एसोसिएशन 2022 के जो चुनाव हैं उसमें भाजपा को अपना समर्थन देगी या नहीं? देखिए, हमने विनय जी बड़ी सरकार देखी, हमारा राजनीतिक जीवन 20 वर्ष का हो गया है। उत्तर प्रदेश से मैं बिलोंग करता हूँ। जो बहुजन समाज पार्टी जो अनुसूचित जाति की शुभचिंतक थी उसने भी विद्यालयों के साथ छलावा किया, बैकवर्ड की राजनीति करने वाले अखिलेश यादव उन्होंने भी इन विद्यालयों के साथ छलावा किया। बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार जब उत्तर प्रदेश में बनी तो उन्होंने उत्तर प्रदेश के 500 विद्यालयों का प्रस्ताव भारत सरकार को सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय को भेजा, जिसका रिजल्ट ये हुआ कि बहुत दिनों तक वो लंबित रहे। लंबित होने के बाद भारत सरकार ने उनका पुलअप किया, पुलअप करके अब उनका रिजल्ट देने जा रहे हैं। इसलिए पूरे देश में जो शिक्षा का अच्छा स्तर बढ़ रहा है वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में बढ़ रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है। और मैं पूरे देश में हमारी एसोसिएशन भारतीय जनता पार्टी का सपोर्ट करेगी और आने वाले 2022 के जो चुनाव हैं उस चुनाव में उत्तर प्रदेश में हम पुनः सरकार बनाएंगे और हमारे जितने स्कूल के प्रबंधक हैं शिक्षक हैं वो सारे मिल करके भारतीय जनता पार्टी को जिताने का काम करेंगे। धन्यवाद।